नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियाज वेज किचन में। आज मैं हर बार की तरह फिर से एक बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। त्योहारों के सीज़न शुरू हो चुके हैं और अभी रक्षाबंधन भी आने वाले हैं, तो मैंने इस रक्षाबंधन पे बनने वाली मिठाइयों की रेसिपी आपके साथ लेकर आई हूँ। तो कौन सी मिठाई मैंने बनाई है बहुत ही आसान तरीके से, चलिए देख लेते हैं। और कौन कौन से इंग्रेडिएंट के साथ मैंने बनाई है, तो ये है हमारा मिल्क पाउडर। एक कप हमने लिया है मिल्क पाउडर, ये छोटे छोटे पाउच में हमने लिए हैं। 4 पैकेट अमूल्या मिल्क पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। तो ये 1 कप मिल्क पाउडर हम डाल देंगे एक बड़े से बाउल में, और इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी। 3 चम्मच मेल्ट किया घी ले करके और इस मिल्क पाउडर में डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे, जैसे मोयन मिलाते हैं ना मैदे वगैरह में, बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसके बाद हम गैस के ऊपर चढ़ा लेंगे एक पैन और इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। दूध के अंदर भी हम 1 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी डालेंगे और शुगर डाल देंगे इसमें 4 चम्मच। 4 चम्मच शुगर डालने के बाद हम इसे अच्छे से पकाएंगे। दूध को थोड़ा सा हमें उबाल आने तक पकाना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उबाल आ चुकी है, और उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और मिल्क पाउडर भी। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए इसका मावा तैयार कर लेंगे। अच्छे से हमें इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हमें इसे इस मावा को तैयार करना होगा, नहीं तो नीचे तली से चिपक जाएगी। तो ये देखिए मावा हमारे करीब करीब तैयार हो चुके हैं, ये पैन में सिमटने लगे हैं, और ये देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि कैसे ये थिक हो चुके हैं। और ये जैसे ही पैन में सिमटने लगे, हम इसे गैस का फ्लेम बंद करके दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और रख देंगे इसे हम ठंडा होने के लिए। और अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 200 ग्राम छेना। 2 लीटर से हमने बनाया है 200 ग्राम छेना, तो बिल्कुल ताज़ा छेना हमने बनाकर रख लिया है। तो इसके बाद इसे हम लेकर डाल देंगे मिक्सी जार में, और इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी भी इसके अंदर हम 4 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि मावा में भी हमने चीनी डाला हुआ है, इसलिए दोनों को का टेस्ट बैलेंस रखने के लिए, ज़्यादा मीठी ना हो जाए इसके लिए मैंने इसमें भी 4 चम्मच ही डाला है। और इसका हमें पेस्ट, बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार करना होगा। इसमें डालने के बाद ये बहुत ही बढ़िया से बहुत ही चिकना पेस्ट तैयार हो जाता है। वापस से हम एक पैन चढ़ा कर 1 कप दूध और डाल देते हैं। 1 कप दूध डालने के बाद जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, जो भी छेना जो हमने तैयार किया था उसको हम इस दूध के अंदर डाल देंगे। दूध के अंदर डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ऐसे लगातार चलाते हुए हमें इसे सुखाना होगा। जब इसका मिल्क, तब तक हमें इस पर पकाना होगा जब तक कि ये सूखने न लगे। तो आपको देखकर पता चल रहा होगा कि अब ये सूख गया है, हमारे दूध जो एक्स्ट्रा थे इसके अंदर वो बिल्कुल सूख चुके हैं। सूखने के बाद हमें इसे थोड़ा इसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा फैला कर थोड़ा सा ठंडा करना होगा, और इसके बाद इसे मिक्सी जार में डालकर हम एक बार और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका, जो कि हमने बना लिया है। और इसके बाद वापस से इस बाउल में रख कर हम इसे फैला देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं, इसे हम अच्छे से ऐसे ही फैला देंगे ताकि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए। इसके बाद जो मिल्क पाउडर से हमने मावा तैयार करके रखा था ना, इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि राई के बराबर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर। फूड कलर अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा। इसमें हमने येलो फूड कलर इसमें डाल दिया है, और इसके बाद डालने के बाद हम जैसे ही ये ठंडा हो जाए, हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स तैयार करके रख लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और हम इस मिल्क पाउडर के जो मावा हमने तैयार किए थे, ऐसे अच्छे से हम
बॉल बनाकर रख लेंगे। और इसके बाद एक बॉल हम और लेंगे, बनाएंगे छेना का जो मिक्सर हमने तैयार किया था उसके अंदर इसकी स्टफिंग डाल देंगे। मिल्क पाउडर वाली स्टफिंग इसके अंदर डालकर हम इसके गोले बना लेंगे। गोले बनाने के बाद इसके ऊपर से आप चाहे तो ड्राई फ्रूट लगाएं या फिर इसके ऊपर से चेरी लगा दें या फिर टूटी फ्रूटी लगा दें। मैंने इसके ऊपर से टूटी फ्रूटी लगाई है, देखने में रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसके ऊपर से टूटी फ्रूटी लगाई है। तो देखा आपने कितनी आसान है ये स्वीट्स, जैसे कि बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो इस बंगाली स्वीट्स को आप भी इस रक्षाबंधन पे या फिर आने वाले किसी भी त्यौहार पे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं कीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितनी स्वादिष्ट बनी है। तो ये जो मिठाई है ना, बाहर की महंगी वाली मिठाई की तरह दिखती है और बहुत ही सस्ते में हम इसे घर में बनाकर दो तीन इंग्रेडिएंट के साथ तैयार कर लेते हैं। देखा ही होगा आपने कि कितनी कम इंग्रेडिएंट के साथ ये इतनी बढ़िया स्वादिष्ट सी मिठाई साफ़ सफाई के साथ आप घर में बना सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में, फेस्टिवल वाले टाइम में बहुत मिलावट वाली मिठाइयाँ मिलती है, इसलिए मैं कहूँगी कि आप भी घर पर ही बनाइए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये मिठाई की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।